हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक रेसिपी, जो एक्चुअली में दो बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल बंगाली डेलिकेसी का फ्यूजन है। विंटर का समय है अभी एंड आई थिंक ऑरेंज इज द टेस्टीएस्ट फ्रूट ऑफ द सीजन, इसलिए इसी के साथ फ्यूजन करके आज मैं बर्धमान रीजन का सबसे फेमस डेलिकेसी सीताभोग बनाने जा रही हूँ। बेसिकली ये एक तरह का मीठा पुलाव है, बट वेट, पुलाव का चावल यहाँ राइस से नहीं बल्कि पनीर से बनता है और इसके साथ सर्व किया जाता है पनीर के ही बने गुलाब जामुन, जिसकी जगह आज मैं कोमला भोग यानी ऑरेंज फ्लेवर्ड रसगुल्ला बनाऊंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, फिर ये 2 कप संतरे का रस है, इसे मैंने घर पे ही फ्रेश तैयार किया है, ये 4 बड़े साइज के संतरे का रस है, ये 1/2 कप दही है, फिर मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी ले लिया है चाशनी बनाने के लिए, और ये 8 कप पानी है। चीनी और पानी का रेशियो हमें 1:4 रखना है। ये एक संतरा है, इसे मैं गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी, और ये ऑरेंज फूड कलर है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये 10-12 मैंने यहाँ पे किशमिश लिए हैं गार्निशिंग के लिए, और ये है 1/4 कप पिसी हुई गोविंदोभोग चावल। ये एक तरह का बहुत ही खुशबूदार चावल है जो मेनली कोलकाता में मिलता है। आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगह कोई भी खुशबूदार चावल जैसे कि बासमती चावल भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 इंच का दालचीनी का एक स्टिक और 5-6 ये केसर का धागा ले लिया है। फिर यहाँ पे मैंने 1/2 नींबू का रस लिया है। ये मैंने यहाँ पे जो संतरे लिए थे उसका जूस बहुत ही ज्यादा मीठा था, इसलिए मैंने ये नींबू का रस भी यूज किया है। और ये 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे घी ले लिया है, और ये है 1 चम्मच पीसी हुई चीनी, 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच बिल्कुल महीन वाला सूजी, और ये बिल्कुल थोड़ा सा सूखे हुए संतरे के छिलके का पेस्ट। इसे बिल्कुल भी इससे ज्यादा यूज नहीं करना है वरना हमारे रसगुल्ले कड़वे हो जाएंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने दूध उबलने दे दिया है पनीर बनाने के लिए। ये देखिए इसमें अब 1 उबाल आ गया है। अब हम इसमें ये ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे। ऑरेंज जूस ऐड करते समय गैस की फ्लेम तुरंत बंद कर दीजिए। गैस की फ्लेम हम इस समय इसलिए बंद कर देंगे क्योंकि पनीर बनाते समय अगर इसमें 1 भी उबाल आ जाएगा तो पनीर बिल्कुल रबर की तरह च्यूवी बन जाएगा, वो सॉफ्ट नहीं बनेगा, और जिससे रसगुल्ले भी हमारे स्पंजी नहीं बनेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ये दही ऐड कर देंगे। और साथ ही ये नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। वैसे तो नॉर्मल पनीर बनाने के लिए हम खाली नींबू का रस ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑरेंज फ्लेवर्ड रसगुल्ला बनाएंगे, इसलिए इस समय ऑरेंज जूस ऐड करने से पनीर में एक अच्छा सा ऑरेंज फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए पनीर अब बन के तैयार है। इसे चेक करने का एक तरीका ये है कि ऐसे उठाने पर अगर ये पानी पूरी तरह से क्लियर आए इसका मतलब पनीर बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। अब इसे एक साफ सूती पतले कपड़े में से छान लेंगे। इसका पानी थोड़ा ड्रेन कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, इसे ज्यादा प्रेस नहीं करना है। ये पानी मैं थोड़ा फेंक देती हूँ। अब इसे एक बार बस धो लेंगे साफ पानी से। इसे नॉर्मल पनीर की तरह 2-3 बार नहीं धोना है वरना इसका ऑरेंज फ्लेवर चला जाएगा। अब हम इसे किसी जगह टांग कर या इसके ऊपर किसी भारी चीज को रखकर इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये 2 घंटे बाद ये देखिए पनीर में अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाता है तो रसगुल्ले बनाते समय ये फट सकते हैं। इसे अब हम बहुत अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। ट्रेडिशनली तो इसे ऐसे हाथ से प्रेस करते हुए स्मूथ करते हैं, बट आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी बिना पानी के पीस लीजिए एक बार। इससे आपका टाइम और मेहनत दोनों बचेगा। देखिए अब ये कितने अच्छे से स्मूथ हो गया है, बिल्कुल एक डो के जैसा बन गया है। हमें इसका बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। इसे चेक करने का तरीका ये है कि ये पनीर हाथ में ना चिपके और ये प्लेट से आसानी से उड़ जाए। इसका मतलब ये है कि ये परफेक्टली स्मूथ हो गया है। अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। एक पार्ट से हम सीताभोग बनाएंगे और दूसरे पार्ट से कोमला भोग। अभी सीताभोग वाले हिस्से को एक गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। इस एक भाग से अब हम सबसे पहले कोमला भोग बना लेंगे। इसके लिए इसमें सब ये सूजी, मैदा, पिसी हुई चीनी और ये संतरे के छिलके का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। आप अगर संतरे के छिलके का पेस्ट नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह संतरे के छिलके को
ऐसे ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। ये घी ऐड कर देंगे, हाफ हम इसमें यूज करेंगे और हाफ सीताभोग के लिए रख देंगे। ये एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है और ये ऑरेंज फूड कलर मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉप लिया है और बाद में मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो 1 ड्रॉप मैंने और लिया था, यानी आपको टोटल 3 ड्रॉप यूज करना है। और अगर आप पाउडर वाला फूड कलर यूज कर रहे हैं तो उसे 1/4 चम्मच यूज करना है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से अब मिक्स कर लिया है। अब इसके हम बाइंडिंग चेक कर लेते हैं। इसे ऐसे फैला देंगे और इसे एक बार उठा के ये देखिए ये बिल्कुल आसानी से प्लेट से उठ जा रहा है और ये हाथ में भी बिल्कुल नहीं चिपका है। और इसका दूसरा ट्रिक ये है कि इसे ऐसे छोटा सा गोला बनाएंगे जब हाथ में हम इसे देखेंगे इसमें से थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो रहा है जबकि हमने हाथ में कोई भी एक्स्ट्रा घी या ऐसा कुछ नहीं लगाया। ये देखिए इसका मतलब अब ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। हमें इसके लिए इस रेसिपी के लिए थोड़े छोटे ही गोले बनाने हैं, वैसे भी ये चाशनी में जाके थोड़े और बड़े हो जाएंगे इसलिए इस साइज के हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे। और ध्यान रखिए इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए वरना चाशनी में पड़ते ये रसगुल्ले टूट जाएंगे। इसी तरह हम बाकी रसगुल्ले भी बना लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे रसगुल्ले तैयार कर लिए हैं। मेरे यहाँ पे लगभग 18 रसगुल्ले बने हैं। इन्हें अब हम चाशनी में पका लेंगे। चाशनी बनाने के लिए अब हम ये 2 कप चीनी और 8 कप पानी एक साथ ऐड कर देंगे क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें बिल्कुल पतली चाशनी चाहिए, इसीलिए हम इसे इसी रेशियो में ऐड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है और साथ ही ये जो गरम मसाले मैंने थोड़े लिए थे, ये छोटी इलायची जिसे मैंने इसे थोड़ा सा खोल लिया है, इसका फ्लेवर अच्छे से जाएगा इसमें। और ये लौंग, दालचीनी, केसर सब इसमें ऐड कर देंगे। इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। ये थोड़ा सा उबल गया है, अब हम इसमें 3 ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर भी मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से हाई हीट में उबाल लेंगे एक बार। और एक चीज, चाशनी हमेशा बड़े बर्तन में ही बनाएं ताकि रसगुल्लों को इसमें जाने के बाद अच्छे से फूलने का जगह मिले। ये देखिए ये अब अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें अपने बनाए हुए रसगुल्ले ऐड कर देंगे धीरे धीरे। आप चाहे तो पहले एक पीस ऐड करके देख लीजिए ये टूटते हैं या नहीं। अगर टूटते हैं तो पनीर को थोड़ी देर तक और स्मूथ कर लें और रसगुल्ले बनाते समय ध्यान रखें कि उसमें एक भी क्रैक ना आए। अब हम इसे ढककर 15-20 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। और अगर आपके ढक्कन में ऐसे छेद है तो इसे भी ऐसे एक कागज के टुकड़े से पूरी तरह से सील कर दें। लगभग 20 मिनट हो गया है, अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे रसगुल्ले दिखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं और साइज में तो ये ऑलमोस्ट डबल ही हो गए हैं और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे एक बार बिल्कुल हल्के हाथ से पलट देना है ताकि ये टूटे ना और फिर से इसे दोबारा ढककर 20-25 मिनट तक लो फ्लेम में पका लेंगे। ये 25 मिनट और हो गए हैं, इसका मतलब इसे पकाने में टोटल 45 मिनट लगे। अब ये पूरी तरह से बन के तैयार है। अब हम इसमें गैस की फ्लेम बंद करके 1 कप और ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे। इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और एक चीज हमें ध्यान रखना है कि चाशनी किसी भी स्टेज में गाढ़ा नहीं होने देना है वरना रसगुल्ले रबड़ की तरह चीवी बन जाएंगे। चलिए आपको एक पीस काट के दिखा देते हैं। ये देखिए ये अंदर से कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। अब इसी चाशनी में हमें सीताभोग भी बनाना है इसलिए इन रसगुल्लों को हम धीरे धीरे करके एक बोल में निकाल के अलग रख देंगे। ये देखिए मैंने ये सारे निकाल लिए हैं। अब हम इस दूसरे भाग से सीताभोग बना लेंगे। ये लगभग यहाँ 100 ग्राम स्मूदेंट पनीर है। इसमें हम ये 1/4 का गोविंदोभोग चावल का आटा मिक्स करेंगे और साथ ही ये 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में जो चावल के आटे और पनीर का रेशियो है वो है 3:1, यानी 3 भाग पनीर में 1 भाग चावल का आटा। ये अब इस पनीर में हम 4 बड़े चम्मच या 1/4 कप ये चावल का आटा मिक्स कर देंगे। और ये घी भी दे देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल एक डो के जैसा बना लिया है। अब इसे एक गीले कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने सीताभोग बनाने के लिए तेल गर्म होने दे दिया था। इसमें हम अब एक ये ऐसा छन्नी रखेंगे ताकि हमें ये जो पनीर के चावल है उठाने में हेल्प होगा।
और इस तरह का एक ग्रेटर लेंगे जिसके दाने ऐसे चावल की तरह बनेंगे। आप चाहे तो उसे ग्रेट करके देख लीजिए एक बार, और ऐसे जो हमने ये डो बना के रखा था उसमें से ग्रेट करके इसके अंदर देंगे तेल में। और इस समय गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना है आपको, और अगर हो सके तो अगर आँच बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो आप गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए। ये देखिए मैंने इसमें ग्रेट कर दिया है और ये बिल्कुल चावल के दाने के जैसे लग रहे हैं। अब इसे बस हल्का सा फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम में। ये देखिए ये ऐसे सफ़ेद ही होने चाहिए, इसका रंग बिल्कुल चेंज होने से पहले ही इसे हमें उठा के ये जो हमने ऑरेंज फ्लेवर वाला चाशनी बना के रखा था उसमें डालते जाएंगे। इसे थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में ही फ्राई करें वरना ये जल जाएंगे। ये देखिए मैं अपना ये लास्ट बैच अब फ्राई कर रही हूँ। ये ऐसे सफ़ेद रहेंगे तभी ये चावल की तरह दिखेंगे। ये भी मेरा हो गया है फ्राई, अब हम इसे ये चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए मैंने ये सारा बना लिया है, देखिए ये दिख रहे हैं ना बिल्कुल चावल के जैसे, जबकि ये पनीर से बने हुए हैं। अब इसे हम इस चाशनी में हाई फ्लेम में 4-5 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि हमारे पनीर के जो चावल है उसके अंदर तक पूरा इस चाशनी का मिठास और जो सारे फ्लेवर्स हमने इस चाशनी में दिए थे वो चला जाए। और इस बीच मैंने ये किशमिश भी फ्राई कर लिए थे गार्निशिंग के लिए, और इसे अब हम ढककर 1 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से चाशनी सोख हो जाए। 1 घंटा हो गया है, अब हम इस ऑरेंज फ्लेवर सीताभोग को ऐसे एक छन्नी में थोड़ा थोड़ा उठाकर एक स्पून से ऐसे हल्का सा प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा चाशनी इसमें से पूरा स्ट्रेन करके इसे एक बड़े बर्तन में फैला कर रख देंगे। ये देखिए मैंने इसे इस तरह से फैला दिया है ताकि इसमें जितना भी थोड़ा बहुत चाशनी है वो हवा में सूख जाए और ये सीताभोग बिल्कुल चावल की तरह ही खिले खिले बने। फिर हम इसे कोमला भोग के साथ सर्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और अपने रसगुल्ला लवर्स फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और ऐसी ही और नई नई डिलीशियस रेसिपीज के लिए मेरे इस चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। Also, don't forget to hit the notification bell, जिससे मेरी हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। So, see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.